अस्सलाम वालेकुम, मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और ईद वाले दिन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। हमारे घर में मैं बताता हूँ कि इस वक्त जो बेगम साहिबा हैं वो क्या कर रही हैं। ईद वाले दिन हेलो ओए मेरी वीडियो तुम बना रहे हैं? कुछ नहीं, ऐसे दिखा रहा हूँ कि ईद वाले दिन कपड़े पहन लेते हैं, मेहंदियाँ लग जाती हैं, लेकिन घर में कोई मुलाजिम नहीं होता तो ये बर्तन बर्तन खुद धोने पड़ते हैं। और ये देखिए मेरे ईद का ड्रेस ही खराब हो गया, मैंने दूसरा वाला ड्रेस पहना हुआ था तो गर्मी इतनी है कि मैंने बस अब ये लॉन के कपड़े पहन लिए। हाँ जी, ये पहन लें तो ये होता है जी ईद वाले दिन कि ईद कैसे गुजरती है जी। हम बड़ी ज़बरदस्त गुजरती है। हाँ जी, मेहमान हमारे घर में छोटे छोटे आए हुए हैं जी। अभी हम ससुराल से होके आ गए हैं इनकी अम्मी के घर से, तो सवाए चौकीदार के और घर में कोई नहीं होता। किचन विचन वाले सारे चले जाते हैं छुट्टी, ज़ाहिर है उनकी ईद होती है, साल में यही तो एक दिन है। ये केक आया है और केक काट रही है। आए, मैं आपको मेहमानों से मिलवाता हूँ, इधर आओ आयजा। ये देखें, ये इसके भाई की बेटी है जी, ये बांजी हुई ना बांजी। मेरे क्या नाम है आपका? क्या? आयजा बिलाल। आयजा बिलाल है। और एक एक और मेहमान है, जल्दी आओ ना, जल्दी आओ। आ जाओ, ये कौन है? आपका क्या नाम है? इशाल फातिमा। इशाल फातिमा। छोटे छोटे गेस्ट हैं जिनकी तैयारी बहुत ज्यादा है। ये देखिए, ड्रेस भी दिखा दे जरा। ओए होए 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 होए, देखें ये है। और एक 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 स्पेशल गेस्ट है जी, वो उसको जरा पकड़ें। ये बड़ा खास है जी, ये देखिए, इन्होंने शलवार कमीज पहना हुआ है। और हुसैन भी बनाए हैं। हुसैन हुसैन, इसका नाम हुसैन। अंकल को पप्पी कर दो एक जोर से। आ हा हा, ये इनका कमाल है जी, ये बड़े खास हमारे मेहमान हैं। इन बच्चों के जो अपना इनके जो भाई हैं, इनके जो वालिद हैं, वो अभी इस वक्त गए हुए हैं किसी काम से, खाना लेने गए हुए हैं, क्योंकि खाना बना रही थी। मैंने कहा नहीं, खाना ना बनाए आज, कोई नहीं बाहर से आ जाता है। अच्छा, अब मुझसे पूछ रहे थे सारे ईद की तैयारी में क्या क्या कर रहे हैं। कपड़े वगैरह तो बनाते ही हैं हम, और फिर कुछ कोल्ड ड्रिंक्स ला के रख देते हैं, कोई चीज़ मीठी बना के रख देते हैं। अच्छा, शीर खुरमा जो है वो मैं रात को बनाती हूँ, सुबह ठंडा खाने में मजा आता है, सुबह उठ के नींद में मेरे से बनाया जाता है। ठीक है। उसके अलावा सबसे जरूरी चीज क्या? ये नए नोट। ईद की तैयारी में ये नए नोट, ये देखिए, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर चेंज नहीं मिलता तो ज्यादा ही दी। नए नोट जो हैं वो बच्चे लेके बड़े खुश होते हैं, हमें भी अपना बचपन याद आता है, लेकिन अब हमें कोई ईद देता नहीं है, सब लेते हैं। नहीं, अम्मी मेरी ईद देती नहीं आपको मैडम इशू। अब वो तो एक ही बंदा, लेकिन हाँ तो लेकिन देता मैं ज्यादा हूँ, देने वाला तो एक ही है, क्योंकि मैं भी सबसे बड़ी हूँ कजन्स में से भी, बहन भाई में से, और ये भी सबसे बड़े हैं कजन्स में से। अभी मेरी एक, माशाल्लाह अल्लाह उसकी जिंदगी करे जी, एक मेरी है सिस्टर इन लॉ, वो जा चुकी हैं, वो बड़ी लाडली हैं हमारी, और मेरी बहुत लाडली हैं, उनको वो दो तीन दफ़ा ईद ही लेती हैं मुझसे। अफजल भाई अभी ईद तो है ना, आज तो दूसरा दिन है, आज तो तीसरा दिन है, तो वो बहुत ईद ही ले जाती है मुझसे ना इसी चक्कर में। और उसकी बड़ी ईदियाँ इकट्ठी होती हैं फिर पूरा साल, फिर बहन को ना वो, ये कभी कभी दोनों बहनें खाना खाने भी जाती हैं अकेली। अच्छा, आज की सबसे ज़रूरी बात जी, आज सब ने 6 बजे टीवी के सामने बैठ जाना है, हमारा शो आ रहा है सुप्रीम घराना जी। सुप्रीम घराना 6 से लेके 8 बजे तक। अच्छा, ये मेरा फेस है भी आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कैमरा वर्क कर रहा हूँ कैमरा, लेकिन अच्छा आप बोलते रहे, चले। सुप्रीम घराना आ रहा है जियो पे 6 बजे, आप सब ने अपनी टीवी स्क्रीन के सामने बैठ जाना है, और अगर आप बिजी भी हों तब भी टीवी ऑन करना। बिल्कुल, अपने 6 से 8 बजे तक सुप्रीम घराना जियो पर। हाँ, फिर आपने बिल्कुल नहीं घबराना, सुप्रीम घराना देखना जरूर है। बहुत मजे का शो है, उसमें ना बहुत सारे शेड्स हैं, आपको बहुत वेरिएशंस मिलेंगी, बहुत सारे ऐसे सेगमेंट हैं जिनको आप एंजॉय करेंगे। आप एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह, और दुआ भी कीजिएगा। हम भी शो है। बिल्कुल बिल्कुल, और हमने बड़ी मेहनत की है, 40 दिन तक
42 دن تک ریکارڈنگ کرتے رہے ہیں اس کی, اور شدید اس وقت سردی بھی تھی میرا خیال ہے, جنوری سے پھر موسم بہتر ہو گیا تھا. ابھی وہ دکھا دے پرومو بھی چل رہا ہے, ہاں اس کا پرومو چل رہا ہے, وہ نہیں دکھا سکتے, خود ہی دیکھیں, آن کریں نا, دیکھیں خود ہی آن کریں, رائٹس کا مسئلہ آ جاتا ہے. ہاں جی کوئی فوٹیج ہم یوٹیوب پہ کسی اور کی نہیں چلا سکتے. اچھا جی آپ نے ضرور دیکھنا ہے, وعدہ کریں. اور بیرون ملک جتنے رہتے ہیں, کل ان کی عید ہو گئی ہے, آج ان کا دوسرا دن ہے, ان سب کو بہت 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 عید مبارک. اور آپ لوگوں کا بہت پیار ملتا ہے, بہت دعائیں ملتی ہیں, بڑا اچھا لگتا ہے. اور اب لگتا ہے کہ ہم فیملی ممبر بڑے زیادہ ہماری پوری دنیا میں ہو گئی ہے. اور کینیڈا سے, امریکہ سے, یورپ سے اور انگلینڈ سے بہت میسیج آ رہے ہیں کہ جی جی آپ جب آئیں گے تو آپ نے ہمیں بتانا ہے, آپ ہمارے پاس آئیں. تو آج ایک میسیج سعودیہ سے بھی آیا ہے کہ اپنا نمبر بھی انہوں نے بھیجا ہے. بہت ساری جگہوں سے تو انشاءاللہ جی جب ہم جس ملک میں بھی آئیں گے, اس دفعہ یو کے آنے کا پروگرام ہے, پاسپورٹ گئے ہوئے ہیں, انشاءاللہ ویزے لگ کے آ جائیں گے تو ہم ضرور آئیں گے. یورپ بھی آئیں گے اور وہاں ہم جب اپنی ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم آ چکے ہیں. اچھا اب یہ نہیں پتا کہ سپریم گھرانہ کی باہر کے لیے کیا ٹائمنگ ہے؟ ہاں یہ نہیں پتا, لیکن پاکستان سٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق 6 سے 8 بجے, آپ نے خود حساب لگا لینا. یہ ہے کہ پروموز وغیرہ باہر بھی چل رہے ہوں گے اس کے, تو وہ ٹائمنگ تو آ جائے گی. آپ کیک کھانے لگے ہیں, میری ویڈیو بنا رہے ہیں. نہیں نہیں میں کیک کھانے نہیں لگا, میں اپنے آپ کے جتنے بھی یہ ہے نا سبسکرائبرز, ان کو کیک کھلانے لگا ہوں اور خود بھی کھانے لگا ہوں. میری طرف سے یہ آپ کھائیں, کدھر گیا یہ لے, بہت مزے کا یہ, اور آپ کی طرف سے یہ ہم کھا لیتے ہیں. عید مبارک, عید مبارک, اور ہمیں دعا میں یاد رکھیں اور دیکھتے رہیں, سپریم گھرانہ ضرور دیکھے گا. اور سب کو جو ملک میں ہیں, ملک سے باہر ہیں, پورے پاکستان میں, پاکستان سے باہر, سب کو عید مبارک, بہت بہت دلی عید مبارک. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے. کیک بہت مزے کا ہے, آپ کی طرف سے کھا رہا ہوں. لائف ٹرائل وتھ صاحبہ کو سبسکرائب کریں, شیئر کریں, دوستوں کو بتائیں, لائک کریں. اور آپ کا بہت بہت شکریہ, 1 لاکھ سبسکرائبر بہت جلدی, ماشاءاللہ 2.5 مہینے میں 1 لاکھ سبسکرائبر, بڑی بات ہے. اور آپ کے رسپانس کی وجہ سے میں آگے بہت اچھی اچھی ویڈیوز پلان کر رہی ہوں. جی انشاءاللہ رسپانس اچھا ملا ہے, اس وجہ سے ہم انشاءاللہ آگے اور محنت کریں. اللہ حافظ, خدائے پامان دے, رب رکھا.